Hello everyone and welcome to my channel Shadez of Megz. Spain is one of the most visited country in Europe. और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप स्पेन घूमना चाहते हैं तो आप अपना ट्रिप का प्लान कैसे कर सकते हैं। स्पेन यूरोप की 4th लार्जेस्ट कंट्री है, तो इसे घूमने के लिए आपको मिनिमम 20 डेज तो चाहिए। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर 7 डेज का प्लान आप करते हैं तो आप कैसे इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं स्पेन की वो घूम सकते हैं। इंडिया में स्पेन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी के बाद बहुत फेमस हो गया, और जब हमने वो मूवी देखी तो ज़रूर हम सब ने एक बार तो सोचा ही होगा कि हम स्पेन की ट्रिप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप स्पेन का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। जो ये ट्रिप है वो एक्चुअली बार्सिलोना से शुरू होने वाला है, तो आप अपनी फ़्लाइट की बुकिंग इंडिया से बार्सिलोना की कर लीजिए, और जो आपका होटल का बुकिंग है इन सारी सिटीज़ में, जो भी मैं स्पेन की सिटीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ आप घूमेंगे, उन सारी सिटीज़ में आप अपना होटल सिटी सेंटर के पास में ही बुक करिए। मेरी प्रेफर्ड साइट booking.com है, तो आप booking.com पे जाके अपने होटल को बुक कर लीजिए। आप एयरबीएनबी से भी बुक कर सकते हैं, तो आपका जो भी प्रेफर्ड साइट है आप वहाँ पर जाइए और उसके अकॉर्डिंगली अपना होटल या जो रूम है वो बुक कर लीजिए। आप इंडिया से बार्सिलोना के लिए फ़्लाई करेंगे, और बार्सिलोना से जब आपको अपने सिटी सेंटर होटल के लिए जाना होगा तो आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रेन या बस से जा सकते हैं, या फिर आप टैक्सी से जा सकते हैं। अगर आप बस या ट्रेन से जाएंगे तो आपको वो चीप पड़ेगा कंपेरेटिवली टैक्सी से। अगर आप मोस्ट लाइकली अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो आपको 35 to 40 यूरोज़ पड़ेगा, और अगर आप बस या ट्रेन से जाते हैं तो अराउंड 5 to 6 यूरोज़ होगा। जो स्पेन की करेंसी है वो यूरोज़ है, तो आप यूरोज़ का जो कन्वर्जन है वो आप या तो एयरपोर्ट पे करा लीजिए या फिर इंडिया से ही कन्वर्ट करा के लेके आइए। बार्सिलोना में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, फ्रॉम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टू डिफरेंट म्यूजियम्स, गाउडी आर्किटेक्चर, तपास, डिफरेंट फूड मार्केट्स और बीच। तो एटलीस्ट बार्सिलोना में हमको 3 डेज चाहिए सारे मेजर अट्रैक्शंस को कवर करने के लिए। बार्सिलोना को एक्सप्लोर करने के लिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और चीप भी है। Day 1 की शुरुआत आप कासा बातलो से करिए। ये एक गाउडी आर्किटेक्चरल हाउस है और ये बहुत ही सुंदर है। जितना ही सुंदर ये बाहर से है उतना ही सुंदर ये अंदर से भी है, और ये एक ऐसा मास्टरपीस है जो आपको अमेज कर देगा। कासा बाल्तो के बाद आप जा सकते हैं कासा मिला, जो कि पास में ही है, और ये भी एक गाउडी आर्किटेक्चर है। इसको आप ऊपर से देख सकते हैं, मतलब इस हाउस के ऊपर से जाके बार्सिलोना सिटी को देख सकते हैं, और वहाँ से बार्सिलोना सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है, स्पेशली सग्रादा फैमिलिया। उसके बाद आप जा सकते हैं लास रामलास, जो कि मोस्ट फेमस स्ट्रीट है वॉकिंग के लिए। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप दिन में भी जा सकते हैं और रात में भी यहाँ पे आके नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लास रामलास पे वॉक करते हुए आप जा सकते हैं कोलंबस के मॉन्यूमेंट के पास, वहाँ से कोलंबस का मॉन्यूमेंट देख सकते हैं, और वहीं पे है बार्सिलोना का मरीना एरिया। वहाँ पे आप बैठ सकते हैं और बैठ के पूरे सिटी को एंजॉय कर सकते हैं, पीपल वॉचिंग कर सकते हैं और बोट राइड कर सकते हैं। और फिर रात में वापस लास रामलास आके आप बार्सिलोना की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, और फिर रेडी हो सकते हैं Day 2 के लिए। Day 2 में हम बार्सिलोना सिटी के अलग साइड की सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, और अपना डे स्टार्ट करेंगे सग्रादा फैमिलिया के साथ। सग्रादा फैमिलिया जो है वो गाउडी का एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। इसे बनाते बनाते वो मर गया, इसलिए ये जो बसिलिका है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, बट जितना भी कंप्लीट हुआ है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। इसे आप अंदर से भी एक्सप्लोर करिए, बट मेरा टिप ये होगा कि इसे एक्सप्लोर करना है तो आपको यहाँ पर आना बहुत ही जल्दी, मतलब मॉर्निंग में आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग क्यू होता है। तो जितनी जल्दी आप यहाँ आ सकेंगे उतनी ही जल्दी आपको अंदर एंट्री मिल जाएगा और आप उसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे। इसका टिकट ऑनलाइन भी मिलता है, तो आप ऑनलाइन टिकट परचेज भी कर सकते हैं। सग्रादा फैमिलिया देखने के बाद अगर आप बार्सिलोना में हैं और आप फुटबॉल के फ़ैन हैं तो आपको एफसी बार्सिलोना का कैंप नाउ स्टेडियम देखने जाना ही चाहिए और वहाँ पे जाके आप उसका टूर कर सकते हैं अंदर से और फुटबॉल का म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। आपने जब फुटबॉल क्लब देख लिया है तो उसके बाद आप जा सकते हैं मॉन्ट्जुइक हिल। वहाँ से आपको बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यूज़ मिलेंगे। वहाँ जाने के लिए या तो आप हाइक कर सकते हैं या फिर वहाँ जाने के लिए रोप वे है, तो आप रोप वे के थ्रू उस हिल पे जा सकते हैं। अगर आपको म्यूज़ियम्स अच्छे लगते हैं तो उस हिल पे नेशनल म्यूज़ियम है और वहाँ पे बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव पीसेस ऑफ आर्ट और पेंटिंग्स हैं, तो वहाँ आप जाके ये देख सकते हैं। और वहाँ पे ओलंपिक स्टेडियम भी है तो वो भी देख सकते हैं और फोर्ट है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। डे 2 के इवनिंग में आप म्यूज़िकल फाउंटेन को देखिए और उसे बिल्कुल भी मत मिस करिए। ये जो म्यूज़िकल फाउंटेन है ये नेशनल म्यूज़ियम के एंट्रेंस से स्टार्ट होता है और पूरा डाउन द हिल रोड तक जाता है, तो उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। ये बार्सिलोना का हाई अट्रैक्शन पॉइंट है। डे 3 को आप गॉथिक क्वार्टर्स चले जाइए, वहाँ के रेस्टोरेंट्स और पब को एंजॉय करिए और उसके बाद अपना रेस्ट ऑफ द डे आप बार्सिलोना के बीच पे जाके एंजॉय करिए और फिर वहाँ से आप मैड्रिड के लिए निकल जाइए। बार्सिलोना से मैड्रिड जाने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप बस से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप फ्लाइट भी कर सकते हैं। अगर आपको बस से नाइट जर्नी करनी है तो वो आप कर सकते हैं। स्पेन में हाई स्पीड ट्रेन्स भी चलती हैं, तो आप हाई स्पीड ट्रेन को लेके आप बार्सिलोना से मैड्रिड जा सकते हैं या फिर आप किसी चीप एयरलाइन से आप बार्सिलोना से मैड्रिड जा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैड्रिड में हम 2 दिन रुकने वाले हैं और हमारा डे 4 हम स्टार्ट करेंगे प्योर्ता देल सोल से, मतलब द सन गेट से। ये मैड्रिड का बिगेस्ट प्लाजा है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस मिलेंगे और यहीं पे मैड्रिड का जो सिंबल है बेयर विद अ स्ट्रॉबेरी ट्री, वो भी यहीं मिलेगा। उसके बाद आप जा सकते हैं प्लाजा मेयर, जो कि प्योर्ता दे सोल से पास में ही है। वो भी एक सिंबॉलिक प्लाजा है मैड्रिड का। उसके बाद आप जा सकते हैं रॉयल पैलेस मैड्रिड, जो कि प्लाजा मेयर से सिर्फ 10 मिनट्स है और वहाँ पे देख सकते हैं आप वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मैड्रिड, रॉयल पैलेस। और उसके बाद आप जा सकते हैं डेबोड टेम्पल और वहाँ से एंजॉय कर सकते हैं आप सनसेट। ये एक इजिप्शियन टेम्पल है। और रात में आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके तापास खा सकते हैं या वाइन पी सकते हैं और फिर मैड्रिड की नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। डे 5, अब इफ़ यू लव फुटबॉल एंड यू आर अ रियल मैड्रिड फैन तो आपको डेफिनेटली सैंटियागो बर्नाब्यू का जो फुटबॉल क्लब है वो देखने जाना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस फुटबॉल स्टेडियम है और इसे देखने का अलग ही एक मज़ा है। उसके बाद आप जाइए प्रादो म्यूज़ियम। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट म्यूज़ियम है और इसका टिप ये है कि इसका जो लास्ट 2 आवर्स इन द इवनिंग है तब उसका कोई टिकट नहीं लगता है, मतलब फ्री एंट्री होता है, तो आप लास्ट 2 आवर्स में जाके इस म्यूज़ियम को फ्री में देख सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं एल रेट्रो पार्क। ये बहुत ही अच्छा एक पार्क है और ये इंस्टाग्राम फ्रेंडली पार्क है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स मिल सकते हैं जो कि आप अपने इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं। डे 5 के एंड में आप सेविये के लिए निकल जाइए। अगर इसके लिए भी सेम ही ऑप्शंस हैं, या आप या तो बस से या ट्रेन से या फ्लाइट से अकॉर्डिंगली अपने प्लान के आप जा सकते हैं। 6 के मॉर्निंग में आप जाएंगे अलकाजार ऑफ सेविये। ये रॉयल पैलेस है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो यहाँ पे वॉक करते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सीन्स की शूटिंग हुई है। उसके बाद आप जा सकते हैं कैथेड्रल दी सिविल। वहाँ पे आप उसको बाहर से देख सकते हैं। अंदर से वो इतना सुंदर नहीं दिखता है बट बाहर से वो बहुत ही सुंदर है। उसके बाद आप जा सकते हैं, उसके पास ही एक टावर है, उस टावर से ऊपर जाके आप सिविल सिटी का व्यू देख सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर है। डे 6 की इवनिंग में आप तपास खाइए। सिविल का जो फूड है वो बहुत ही फेमस है। आप रेस्टोरेंट्स में जाके डिफरेंट स्पेनिश डिशेस को ट्राई करिए और फिर नेक्स्ट डे के लिए रिलैक्स हो जाइए। डे 7 में आप प्लाजा दी स्पाना देख सकते हैं। ये एक ग्रैंड हाफ सर्कल ऑफ बिल्डिंग्स है और ये बहुत ही सुंदर है। इसके आसपास आप वॉक कर सकते हैं और इस बिल्डिंग्स की ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं। डे 7 आपका लास्ट डे है, तो अपने फ्लाइट के अकॉर्डिंगली आप वापस जा सकते हैं इंडिया के लिए, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप पार्क दे लूसिया देख सकते हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर पार्क है। तो ये था मेरा 7 डेज़ का प्लान स्पेन घूमने के लिए, बट इसे आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। मतलब कि आप सिविया को हटा के आप मैड्रिड से डायरेक्टली इबिजा जा सकते हैं। इबिजा एक पार्टी आइलैंड है और अगर आपको पार्टीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आपको इबिजा ज़रूर जाना चाहिए। बेस्ट टाइम है इबिजा जाने के लिए मई टू अक्टूबर, तभी यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं और वर्ल्ड बेस्ट डीजेस भी तभी आते हैं। तो आप इबिजा समर्स में जाइए, मतलब मई टू अक्टूबर में अगर आप स्पेन घूमने आते हैं तो इबिजा को ज़रूर इंक्लूड करिए अपने प्लान में। जब भी मैं कोई ट्रिप का प्लान करती हूँ तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस ट्रिप का टोटल बजट कितना होगा। तो मैं आपको हाई लेवल पे डिफरेंट कैटेगरीज में कितना बजट होना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। जो डेली एक्सपेंस है, मतलब आपका एकोमोडेशन, आपका फूड, इसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ पर डे लग सकते हैं। और जो सिटीज़ का ट्रैवल है, इंटरसिटी ट्रैवल, वो भी आपका डिपेंड करता है बहुत ही, बट अप्रॉक्सीमेटली वो भी 10,000 रुपीज़ लग सकता है। और डिफरेंट जो अट्रैक्शंस हैं उसका कॉस्ट जो है वो आपको अराउंड 3,000 रुपीज़ पड़ सकता है। तो ओवरऑल जो आपका बजट है फॉर 7 डेज़ स्पेन का, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 हो सकता है। तो ये था मेरा ट्रैवल प्लान स्पेन का जो कि मैंने यूज़ किया था जब मैं स्पेन गई थी। अगर आपको किसी और कंट्री का ट्रैवल प्लान चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी बात, मेरे 10K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इसलिए जल्द ही मैं एक गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी करिए। मेरा हैंडल है Shadez of Megz। See you in my next video. Till then, bye-bye.